भाजपा की जीत को लेकर पंडोर शक्ति केंद्र ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता सदर मंडल अध्यक्ष दीपक गुलेरिया ने की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पंडोर बाजार में लड्डू बांटे और हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को पूर्ण बहुमत आने से पंडोर शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री किशन मोर्चा भाजपा रमन ठाकुर ने कहा कि इस तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से भाजपा को जीत हासिल हुई है, उसके लिए मोदी और अमित शाह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल की बारी है, हिमाचल में भी भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आज हमारे मंडी सदर मंडल अध्यक्ष दीपक गुलेरिया जी की कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम यूपी की जो हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और उत्तराखंड में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, गोवा और मणिपुर ये हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन और हमारी सरकारें बनी, उसके उपलक्ष्य में जो है हमने ये कार्यक्रम रखा है। इसमें हम माननीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का बधाई देते हैं अपने शक्ति केंद्र की ओर से और अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव 2017 में हिमाचल में होने वाले हैं और उसके लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं का जोश है बहुत बड़ा है, उसके लिए भी हम आदरणीय मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई देते हैं। और ये सभी लोग, सभी कार्यकर्ता संगठनात्मक रूप से इकट्ठे हो गए जिन्होंने अपनी इस जीत का परिचय दिया और आगामी चुनावों में हिमाचल में भी हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, माफिया राज हटेगा, भ्रष्टाचार हटेगा, उस सभी को देखते हुए हम दोबारा इस मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम एकजुट हैं। इस बार हम मंडी सदर की सीट भी अपने हिमाचल विधानसभा को भेजेंगे और यही हमारा सबका एकजुटता है। और इस मौके पर सदर मंडल अध्यक्ष दीपक गुलेरिया, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल, इंद्रजीत शर्मा, रवि ठाकुर, करण ग्रोवर और भाजपा के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट।